खरगोन शहर के बस स्टैंड पर बुधवार की सुबह लावारिस बैग की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। बैग की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, उन्होंने बस स्टैंड चौकी के नीचे दाहिनी ओर का हिस्सा खाली करा कर सील कर दिया। मामले की जानकारी बम स्क्वाड को दी गई, जो कि कुछ ही मिनटों में पहुंच गई। यह स्कूल बैग पुलिस चौकी के नीचे बाइकों के नजदीक रखा हुआ था। यह सब मॉक ड्रिल का हिस्सा था। टीम प्रभारी संजय ने बताया, यह प्रक्रिया आगामी चुनावों और त्योहारों पर सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है। बम स्क्वाड टीम सुबह 11 बजे पहुंची थी। लावारिस बैग की तलाशी लेने से पहले स्निफर डॉग की मदद ली, वो भी बैग को सूंघकर कुछ देर बाद वापस आ गया। इसके बाद बम सूट पहने एक सदस्य मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंचा और बैग में बम होने की पुष्टि की। इसके बाद एक्सरे मशीन से इमेज निकाली गई। कुछ देर बाद बम को एक छड़ी की मदद से उठाकर बम ट्राली तक ले जाया गया। इसके बाद बॉक्स में रख टीम बम ले गई, जिसके बाद सभी ने राहत महसूस की। टीम के पास जैमर सहित कई आधुनिक उपकरण थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये अभी क्या है कि कहीं जगह ऐसे ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि आप लोग भविष्य में होने वाली चीजों से पहले अवेयर हो जाए और अपनी तैयारी पहले रखें। इस वजह से हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पे ये मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज किया आज। हमारे पास है प्रोडर है, मिरर है, एनएलजेडी है, बीएसएमडी है, जैमर है, जो सारे वो आपका मोबाइल वगैरह सारे हैक कर दिए जाते हैं, जिससे उसके बाद बम ट्रॉली है जिस हम आईडी को उठा के लेके गए हैं, डॉग है, एक्सरे है जिससे हम आईडी के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म लगा है उसको पता किया जाता है, जिससे वो सारी चीजों से हम लोगों ने ये किया है। अभी इस तरह से ये है कि आप लोग बिल्कुल निश्चित रहे, हम लोग किसी भी आने वाली आपदा जो भी होगी उसके लिए हम बिल्कुल तैयार है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल तैयार है कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की आपदा आएगी हम लोग तैयार है उसके लिए। विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है कुछ हुड़दंगियां होते हैं जो उल्टे सीधे काम करने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ करते ही रहते हैं, तो हो सकता है कुछ गलत मैसेज डालने के लिए वो करे, तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया है और तैयारी भी की है और आने वाले दिनों में और होता रहेगा इस तरह का। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में अनावश्यक वस्तुएं जो पड़ी रहती है उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको लेके पहले तो ये रहता है कि उसको खुद देख ले कि वो संदिग्ध तो नहीं है, काफी दिनों से तो नहीं पड़ा है, अगर है तो उसके लिए पास में पुलिस स्टेशन है या सिक्योरिटी जो भी है उनको सूचना दे, पुलिस कंट्रोल रूम है वहाँ बता दे, ताकि वो हमें सूचना दे तो कल वहाँ पहुँच जाए उस चीज के लिए। मैं सब इंस्पेक्टर संजय मौर्य और ये मेरी पूरी टीम है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।